हेलो फ्रेंड वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम आज के इस वीडियो में हम सब जो जानेंगे वह है मई 2021 से संबंधित सभी करेंट अफेयर्स जो कि वन लाइनर आपको हमेशा हम हर एक मंथ का कराते रहे हैं उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में मई 2021 से लेकर के आपको लगभग 4 जून तक की करेंट अफेयर्स मिलेगी तो वीडियो को पूरा देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे ताकि पूरी वीडियो आप देख सकते हैं साथ ही साथ आप इसके पी जो है नीचे दिए गए लिंक से और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पर इसके पी मिल जाएगा ताकि आप इसको फिर से रिवीजन कर सकें और साथ ही साथ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली क्यूज और डेली ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से तो उसके लिए भी क्यूज सेशन शुरू कर दी गई है मात्र फोर्टी नाइन रुपीज़ की पर मंथ के हिसाब से तो वहां पर भी आप लोग ज्वाइन कर जाएंगे इसके लिए आप हमारा नंबर है सेवन सिक्स फाइव फोर नाइन फाइव डबल सेवन वन नाइन इस नंबर पे आप संपर्क करके इसके और अधिक जानकारियाँ ले सकते हैं जहाँ पर आपको डेली करेंट अफेयर्स डेली टॉपिक से ये सारी चीज़ें क्यूज और ग्रुप डिस्कशन कराए जाते हैं तो जुड़ेंगे वहाँ पर भी और चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है और पूरे करेंट अफेयर्स मई और जून के देखेंगे तो देखिएगा पहला कहता है कि एक मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो एक मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जिसे हम मजदूर दिवस भी कहते हैं मनाया जाता है साथ ही साथ आप ये कमेंट में बताएंगे कि एक मई को और कौन से राज्य की स्थापना दिवस मनाई जाती है तो आपने यहाँ पर आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर भी वो आंसर दे रखा है कि महाराष्ट्र और गुजरात जो है एक स्थापना दिवस मनाया है चलिए अगला प्रश्न है कि एक मई 2021 को जापान सरकार ने किस भारतीय शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है ध्यान रखेंगे भारतीय शिक्षिका हैं एक आपके महाराष्ट्र के एक और व्यक्ति हैं जिनको इंटरनेशनल टीचर के रूप में घोषित किया गया है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और उनको हाल ही फिलहाल में यूएनओ की शिक्षण संस्थाओं में भी शामिल किया गया है तो यहां प्रश्न पे लौटेंगे तो कहता है कि जापानी सरकार ने किस भारतीय शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है तो श्यामला गणेश को अगला प्रश्न है कि पंडित देवव्रत चौधरी उर्फ देवू चौधरी का निधन हो गया है वे कौन थे तो देवव्रत चौधरी या देवू चौधरी या एक सितार वादक थे भारत सिंगल क्रिस्टल बेल्ट प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला विश्व का कैवा देश बन गया है क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला भारत नंबर का देश बना है अगला देखेंगे वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे प्रश्न है कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं तो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो कि 2 मई 2021 को बनाए गए हैं वह हैं टी रविशंकर अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लगातार कितनी बार सत्ता बरकरार रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस जहां से दीदी के नाम से प्रसिद्ध ममता बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे हैं और ये लगातार तीसरी बार इस चुनाव को जीते हैं और यहाँ कह रहा है कि हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं हाँ वो जो ममता बनर्जी हैं जहाँ से वो उनकी सीट थी नंदीग्राम उस सीट से हार चुकी हैं वहां से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया है और एक समय पे शुभेंदु अधिकारी जो थे ममता बनर्जी के साथ ही हुआ करते थे अगला प्रश्न है कि मई 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा के दो सीटों में तृणमूल कांग्रेस ने कितनी सीटों के साथ जीत हासिल की है तो दो में से 213 सीटें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मिली है और भाजपा सतहत्तर सीटों पर और कांग्रेस जो रही है वह सिमट गई है जीरो पर तो ये ध्यान रखेंगे साथ ही ये ध्यान रखेंगे कि जो दो सीट है वहां पर शायद वहां पर दो सीट पर ही चुनाव हुआ था ये एक बार आप लोग कंफर्म कर लेंगे और कमेंट में भी बता देंगे कि क्या मैंने जो बताया दो ये सही है अगला है कि 2 मई 2021 को असम विधानसभा के 126 सीटों में भाजपा ने कितनी सीटें हासिल की है तो असम में कुल 126 सीटें हैं विधानसभा के तो इस तरह से अगर देखें तो आपके यहाँ पर चार पांच राज्य दिखेंगे पांच राज्य तो यहाँ पर जो विधानसभा सीट हैं यानी कि आपको स्टैटिक जीके के भी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि अभी हमने जाना कि पश्चिम बंगाल तो पश्चिम बंगाल में टू नाइन फोर हो गए छब्बीस एक सौ छब्बीस सीटों में से भाजपा ने पचहत्तर सीटें हासिल की है जबकि कांग्रेस ने पचास सीटें और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असम में भाजपा की सरकार बनी है आप कमेंट में ये बताएंगे आसम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं अगला प्रश्न है कि केरल विधानसभा के 140 सीटों में एडीएफ ने कितनी सीटें हासिल की है यहाँ पर जो है एडीएफ नाम की जो पार्टी है इसने कुल 140 सीटों में से कहाँ पर केरल में केरल जिस वैसा राज्य जो कि सबसे साक्षरतम राज्य में सर्वोत्तम पैदान पर है तो केरल जो है विधानसभा के 140 सीटों में एडीएफ ने संतानवे सीटें हासिल की है और यू ने फोर्टी सीटें हासिल की है अगला देखें तो बात आती है पुड्डुचेरी की पुडुचेरी वहीं जहां पर किरण बेदी वहां की प्रशासिका हुआ करती थी जिसे हटा करके कुछ समय के लिए उन्हें हटाया नहीं उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद जो है वहां पर 30 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुई और उस 30 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीटें और कांग्रेस ने आठ सीटें जीती है कुछ सीटें जो है वो अन्य पार्टियों के पास गए हैं तो इस प्रकार से हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में दो सीटें केरला में आपके एक सीटें सॉरी केरल में नहीं जो असम में 126 सीटें और केरला में 140 सीटें और पुडुचेरी में 30 सीटें शामिल है साथ ही साथ अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु विधानसभा में 243 सीटों में डीएमके ने एक सीटें हासिल किया है और एआईडीएमके इसने 75 सीटें हासिल किया है आप ये बताएंगे कि दो सीटें और अन्य किस राज्य में विधानसभा सीटें हैं अगला है कि तीन मई 2021 को नाइजर के तहुआ क्षेत्र में सेना के गश्ती दल पर हमला के कारण कितने सैनिकों की, की मृत्यु हो गई ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से क्षेत्र तहुआ क्षेत्र जो है नाइजर में स्थित है कमेंट में आपको बताना है नाइजर और नाइजीरिया नाइजर और नाइजीरिया दो अलग अलग कंट्री हैं तो इन दोनों की राजधानी क्या है बहुत सारे लोग इसमें फंसते हैं कि नाइजर कौन की राजधानी क्या है और नाइजीरिया की राजधानी क्या है तो कमेंट में आपको बता देना है कि नाइजर की राजधानी क्या है और नाइजीरिया की राजधानी क्या है ताकि अन्य सभी लोग आप अपनी बुद्धि का परिचय दें और अन्य सभी लोग जो आपके फ्रेंड्स हों उनको भी ये जानकारियां मिल सके चलिए तो यहां पर ध्यान रखेंगे सोलह सैनिकों की मृत्यु हो गई थी अगला है कि भारत के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं तो अड़सठवे ग्रैंड मास्टर जो बने हैं या अर्जुन कल्याण बने हैं अगर सिक्सटी सेवन बोले तो डी गुकेश बने हैं। प्रश्न की सूचना से जनकल्याण विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया सूचना से जल कल्याण थीम के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई गई जो कि 3 मई 2021 को मनाया जाता है, दिवस हर एक को मनाया जाती है और 3 मई 3 मई 2021 का जो थीम था सूचना से जन कल्याण को रखा गया है अगला प्रश्न है कि रूस ने जानवरों के लिए किस नाम से कोरोना वायरस का पहला टीका विकसित किया है रशिया ने विकसित किया है वह है। नाम से रूस ने विकसित किया है इसी की ही एक टीका है, है 5 जो अच्छी खासी उसकी जो है पंचानवे से संतानवे परसेंट तक रही है पॉजिटिव रिजल्ट अगला प्रश्न कि आयुष मंत्रालय ने किस पार्ली हर्बल औषधि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाए हैं तो पार्ली हर्बल औषधि जो है या आयुष सिक्सटी नाम से अगला प्रश्न की अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे एथलीट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है बिलीव इन स्पोर्ट्स ओलंपिक समिति ने चुना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसके अंतर्गत पीवी सिंधु जो कि भारत की हैं और मिसेले जो कि कनाडा की, की हैं अम्बेसडर चुनी गई हैं अगला प्रश्न कहता है चार मई चार मई दो को देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत कहां की गई है ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर ये कोविड 19 से संबंधित है जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से शुरू की गई है अगला प्रश्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप दो का खिताब किसने जीता है तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब मार्क सेल्वी जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं और सॉन मर्फी यह भी इंग्लैंड को रहने वाले हैं मार्क सेल्वी ने जॉन मर्फी को हरा करके विश्व स्कूनर स्नूकर चैंपियनशिप दो को जीता है अगला प्रश्न कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने अपनी शादी के कितने साल बाद तलाक लेने का निर्णय लिया है तो ये है सत्ताईस साल ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाती है अब कौन शादी किया कौन टूटा ऐसी प्रश्न पूछी नहीं जाती है प्रश्न की भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान आप बताएंगे ये भारत में कहाँ स्थित है जबकि फिलीपींस में एक स्थित है मनाली में वो अलग है भारत में कहाँ पर स्थित है ये बताएंगे और यहाँ के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है रमन मीनाक्षी सुंदरम को अगला प्रश्न आता है पाँच मई से कहते हैं पाँच मई दो कीश को किस विषय के साथ विश्व हाथ स्वच्छता दिवस विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है तो यह है सेकेंड्स सेव लाइफ क्लियर योर हैंड्स अगला प्रश्न कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के किस उपबंध को अधिसूचित कर दिया है तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत उपबंध एक को अधिसूचित कर दिया है अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के लोगार प्रांत ये भी ध्यान रखेंगे अफगानिस्तान में स्थित है लोगार प्रांत जहां पर आतंकवादी हमला हुआ था जहां पर 21 लोगों की मौत हो गई है अगले प्रश्न की सूचना अनुसार बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित करने का फैसला लिया है तो चार खिलाड़ी आईपीएल में संक्रमित हो गए थे इसके कारण आईपीएल को रद्द कर दिया गया था कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था और पुनः ये सितंबर से शुरू हो रही है सऊदी अरबिया में ये ध्यान रखेंगे अगले प्रश्न की सूचना अनुसार मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास लगभग कितने साल पुराने सोरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं सोरोपॉड डायनासोर जो कि पश्चिम खासी हिल्स मेघालय में पाया गया है इसका 10 करोड़ साल पुराना बताया जाता है गारो खासी और जयंतिया हिल्स मेघालय में स्थित है प्रश्न है कि 5 मई 2021 को ट्विटर ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है ट्विटर ने नया फीचर लॉन्च किया है स्पेसिस अगला प्रश्न की बाईस वाल लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2021 के तहत स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर एंड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है द तो स्पोर्ट्स मैन में दिया गया है राफेल नडाल को और वोमेन में दिया गया है नाओमी ओसाका को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 जो कि बाईसवा संस्करण था अगला प्रश्न आता है सात मई से कहता है सात मई दो हजार इक्कीस को कौन सा दिवस मनाया गया है तो सात मई दो हजार इक्कीस को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है बताना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं सात मई को तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं एम के स्टालिन किस पत्रकार का हाल ही में निधन हो गया तो शेष नारायण सिंह का और बीआरओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है बीआरओ जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं सीमा सड़क संगठन इसका इकसठवा स्थापना दिवस 7 मई 2021 को मनाया गया है तब आप अनुमान लगा के ये बताएंगे कि बीआरओ की स्थापना कब हुई थी अगला प्रश्न है कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अनुपम खेर को किस शॉर्ट फिल्म के लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है किसे अनुपम खेर को तो उनकी शॉर्ट फिल्म है हैप्पी बर्थडे अगला प्रश्न आता है विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ठीक है प्रवासी दिवस एक अलग होता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई 2021 को मनाया गया है डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमित के लिए किस विकसित किया है तो टू डी ग्लूकोज को विकसित किया है 8 मई 2021 को डीआरडीओ किस योग गुरु का निधन हो गया तो स्वामी अध्यात्मानंद की निधन हो गई है 8 मई 2021 को कहते हैं कि विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए सीबीएसई ने किस ऐप को शुरू किया है तो सीबीएसई ने एक ऐप शुरू किया है जिसमें मानसिक तनाव को दूर करने के लिए दोस्त फॉर लाइफ अगला प्रश्न अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ट्रेड्रोस अधानुम ग्रेब्योसिस ने से विश्व स्वास्थ्य सभा की वार्षिक बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित करने का आग्रह किया है ताइवान तो आपको मेन इंपॉर्टेंट काम ये याद रखना है कि डब्ल्यू एच ओ के महानिदेशक कौन है तो टेड्रोस अर्धानोम गैब्रिया अगला प्रश्न है कि कोविड वैक्सीन आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश डब्ल्यू एच ओ ने किस चाइनीज कंपनी के वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है तो सिनो फार्मा सिनो फार्मा कंपनी जो कि चाइनीज कंपनी है इसकी वैक्सीन को कोविड में यूज करने की योजना और अनुमति डब्ल्यूएचओ ने दी है प्रश्न है कि नेपाल की किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है तो यह है कामरीता शेरपा गुरुदेव रविना ठाकुर का जयंती मनाया गया है 9 मई 2021 को नौ मई दो हजार इक्कीस को वर्ल्ड मदर्स डे भी मनाया जाता है अगला है कि चीन से अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया है तो अनियंत्रित होकर के चीन की जो रॉकेट है वह लॉन्ग मार्च फाइव बी अगला प्रश्न मैड्रिड ओपन टेनिस में बेलारूस की एरिना सावालंका ने किसे हराकर पहली बार महिला सिंगल्स का खिताब जीता है एरिना सावालंका जो कि बेलारूस की है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एस को मैड्रिड ओपन टेनिस सिंगल्स में हराया है प्रश्न है कि सकूर राथेर की किताब पहली किताब है लाइफ इन द क्लॉक टॉवर बैली लाइफ इन द क्लॉक टावर बैली को किसने प्रकाशित किया है तो प्रकाशित क्या है स्पीकिंग टाइगर ने पुस्तक का नाम है लाइफ इन द क्लॉक जिसके लेखक हैं हैं पत्रकार है, सकूर, राथे। अगला प्रश्न कि लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया है तो सादिक खान को चुना गया है अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने सदन में विश्वास मत को खो दिया है तो हमारे नेपाली बाबा जो थे वह थे के पी शर्मा ओली इन्होंने अपना विश्वास मत खो दिया है और वहाँ पर फिलहाल के लिए वो भंग हो चुकी है वहाँ की संसद यानी कि जो लोकसभा जो उन वहाँ का होता है वो फिलहाल भंग हो चुकी है कहते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर जल का लक्ष्य निर्धारित समय में से काफ़ी पहले हासिल कर लिया है तो हर घर जल पुडुचेरी ने हासिल किया है के मुख्यमंत्री कौन बने हैं दस मई दो हजार इक्कीस को हेमंत शर्मा जो की भाजपा से संबंधित है प्रश्न है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के की विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हेली को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल से में जो दिया गया है पाकिस्तान के बाबर आजम को और ऑस्ट्रेलिया महिलाई टीम के एलिसा हेली को आपको ये बताना है कि आपको याद है कि जब सबसे पहले 2021 में प्लेयर ऑफ द मंथ शुरू किया गया है तो सबसे पहले किस भारतीय प्लेयर को दिया गया था कंटिन्यू तीन पुरस्कार भारतीय को ही दिया गया था जनवरी फरवरी और मार्च में तो आप ये कमेंट में बताएंगे प्रश्न हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किससे कार्यकारी निदेशक यानी फूड एंड रिफ्रेशमेंट नियुक्त किया है तो श्री नंदन सुंदरम को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक बने हैं जोश जे कट्टूर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किस योजना के तहत म्यूकोर्मिक म्यूकोर्मी कोशिस के रोगियों का मुफ्त इलाज करने की बात कही है तो महात्मा फूले जन आरोग्य योजना के तहत अगला प्रश्न है कि ट्विटर ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को कितने डॉलर का सहायता राशि दिया है 110 करोड़ कौन सा दिवस ग्यारह मई को मनाया गया तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ग्यारह मई 2021 को मनाई जाती है अगला प्रश्न है कि किसे वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर शकुंतला हर, हरक सिंह को नियुक्त किया गया है अगला प्रश्न कहता है कि पंद्रहवा शेख जायद बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो शेख जायद बुक पुरस्कार से डॉक्टर तो ताहिर कुतुबुद्दीन को सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है तो 12 मई 2021 को मनाया जाता है और 12 मई 2021 को सरकार ने कोविड 19 के म्यूको म्यूकोरमिकोसिस की जटिलता से निपटने के लिए किस दवा की उपलब्धता बढ़ाई है तो एम्फोटेरिसिन बी नामक दवा जो कि बढ़ाई गई है और ये म्यूकोर मिकोसिस महाराष्ट्र में शुरू की गई थी है ना? अगला प्रश्न है कि किस देश के बुच्चड़ खानों के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है तो यह क्या है इंग्लैंड ने प्रश्न है कि किस देश ने मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण शुरू किया है तो बांग्लादेश के ढाका में ये शुरू की गई है अगला कहता है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग जिसे ईपीएल के नाम से जाना जाता है ईपीएल किसने जीता है तो ईपीएल जीता है मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर अगला है केंद्र सरकार ने किसके परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का घोषणा किया है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता से और निर्णय से केंद्र सरकार जारी करेगी तेरह मई 2021 को किस में किस में देश की विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार के गठन के लिए आवश्यक बहुमत बोर्ड जुटाने में विफल होने के कारण पूर्व प्रधानमंत्री की नियुक्ति फिर से की गई है तो यह किया गया है नेपाल के प्रधानमंत्री जो कि के पी शर्मा ओली बने थे और पुनः हाल फिलहाल में वो भंग हो गई है फिर से वो बहुमत खो दिए हैं ये बात कर रहा है मई की ठीक है प्रश्न है कि बीसीसीआई ने किसे भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है बीसीसीआई जो कि बोर्ड ऑफ काउंसिल ऑफ क्रिकेट को जो इंडिया की है उसके अंतर्गत मुख्य कोच जो महिला में नियुक्त की गई है रमेश पवार को नियुक्त किया गया है कहता है कि सूचना अनुसार किस देश की तटीआईसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार है तो भारतीय टीम बरकरार है इंदु जैन का निधन हो गया है वो टाइम्स समूह की अध्यक्ष रही थी 14 मई 2021 को इंदु जैन का निधन हो गया है अगला प्रश्न है कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने किस आभासी मुद्रा में भुगतान लेने से मना कर दिया है तो बिटकॉइन में यही एलन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी जिसने कि लगभग एक कुछ एक साथ उपग्रह भेज करके सैटेलाइट से इसने एक अलग रिकॉर्ड बनाया है अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना को शुरुआत किया है तो छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी दुलार योजना कोरोना वायरस में अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू की गई है मणिपुर सरकार ने ताजी सब्जी के होम डिलीवरी के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है तो मोमा मार्केट को लॉन्च किया है 15 मई 2021 को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है मनाया गया है ठीक है 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है कहता है निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं पेम पासेरिंग बने हैं अगले है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस शहर को पंजाब राज्य का तेईसवा जिला बनाने की घोषणा किया है पंजाब राज्य का तेईसवा जिला बनाने की घोषणा मलेर कोटला को की गई है भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है नीरा टंडन को किया गया है किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीजों की आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए मिशन हौसला शुरू किया है मिशन हौसला जो शुरू किया है कि गया है यह उत्तराखंड राज्य द्वारा की गई है अगला प्रश्न है कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस के रूप में 16 मई 2021 को मनाया गया है प्रश्न है कि गुजरात के तट पर किस चक्रवाती तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है तभी आपने सुना होगा ताउते और यास नामक दो तूफान आई थी तो गुजरात और मुंबई के जो तट पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित दिखाया था वह था ताउते चक्रवात ताउते चक्रवात जो है जिसका नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है ये भी ध्यान रखेंगे प्रश्न है कि किस राज्य की स्थापना दिवस 16 मई 2021 को मनाया गया है तो सिक्किम को मनाया गया है 16 मई 2021 को यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिक्किम के स्थापना दिवस 16 मई को मनाई जाती है आगे कहता है कि किसने यूरोपीय टूर बेट्रेन ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ खिताब जीतकर नया इतिहास रच दिया है तो यूरोपियन टूर एंड ब्रिटिश मास्टर गोल्फ का खिताब इंग्लैंड के रिचर्ड ब्लैड ने जीता है प्रश्न है कि किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग को लॉन्च किया है जो है ईरान की कंप्यूटर है प्रश्न है कि साथ साथ ब्लड प्रेशर दिवस मनाया गया है तो 17 मई को और जिसका विषय है अपने रक्तचाप को मापे इसे नियंत्रित करें लंबे समय तक जीवित रहें विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है और है कि कि मिस यूनिवर्स 2020 मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है ठीक है तो ध्यान रखेंगे 2021 में 2020 की मिस यूनिवर्स पुरस्कार दी गई है जो दिया गया है एंड्रिया मेजा को जो कि मैक्सिको से बिलोंग करती हैं दसवा इटालियन ओपन का खिताब विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोबीच को हरा कर किसने जीता है दसवा इटालियन ओपन का खिताब विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोबीच को हरा कर जो जीता है वह है राफेल नडाल अगला प्रश्न है कि कोविड महामारी के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण सॉरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कितने लाख कामगारों को काम दिया गया है तो एक करोड़ पचासी लाख को दिया गया है ये भी ध्यान रखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है इसने 100 दिन के जगह पर 150 दिन रोजगार दिया था मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 200 दिनों तक रोजगार दिया है अगला प्रश्न केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से नवाजा गया है तो रमेश पोखरियाल निशंक को अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है ध्यान रखेंगे शिक्षा मंत्री जो कि पहले एचआरडी मिनिस्टर हुआ करते थे मानव संसाधन विभाग मंत्री जो कि अब शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है प्रश्न केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत वृद्धजनों के लिए कॉल सेंटर शुरू किया है तो एंडरलाइन योजना के तहत वन्य जीव फोटोग्राफी के बिग फाइव में भारत के किस पशु का नाम शामिल किया गया है तो बल जो वन्य जीव फोटोग्राफी के बिग फाइव है इसमें भारत के राष्ट्रीय पशु एशियाई बाग को शामिल किया गया है प्रश्न राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है नालसा का एक्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए हैं उदय उमेश ललित बिहार सरकार ने होम आइसोलेटेड कोविड 19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है तो हीट कोविड ऐप बिहार सरकार ने लॉन्च किया है किस महिला टीम ने चेल्सी को शिकस्त देकर पहली बार महिला चैंपियंस लीग का खिताब जीता है तो बार्सिलोना महिला जो है इसने चेल्सी को शिकस्त दी है कहते हैं जनजातीय स्कूलों के डिजिटल कार्य कायाकलप पर भारत ने किसके साथ समझौता किया है तो माइक्रोसॉफ्ट यानी कि बिल गेट्स वाली कंपनी के साथ किस अमीर की दूरसंचार कंपनी ने अपने बॉर्नर मीडिया यूनिट को डिस्कवरी मीडिया के साथ विलय होने की घोषणा की है बॉर्नर मीडिया यूनिट को डिस्कवरी मीडिया के साथ विलय करने की घोषणा ए टी एंड टी ने किया है 18 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस म्यूजियम दिवस मनाया गया है जिसका थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड रिमी रिइमेजिन रिमे, प्रश्न किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य के विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है तो राज्य के विधान परिषद के गठन की मंजूरी पश्चिम बंगाल सरकार ने दिया है वर्तमान में संख्या छह है अगला प्रश्न है कि 18 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस ठीक है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 2021 को जबकि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाई जाती है कहते केंद्र ने किस थेरेपी को कारगर नहीं पाए जाने के कारण कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है तो प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया है ए टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन बने हुए हैं तो यह है नोवाक जोकोविच जो कि टेनिस प्लेयर हैं सर्बिया के बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया है तो शिव सुंदर दास को नियुक्त किया गया है वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे और साथ ही साथ जो क्यूज में ज्वाइन करना चाहेंगे फोर्टी नाइन रुपी पर मंथ वाले क्यूज में आप ज्वाइन कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए सेवन सिक्स फाइव फोर नाइन फाइव डबल सेवन वन नाइन पर संपर्क कर सकते हैं साथ ही साथ जो बिहार दरोगा प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मात्र टू नाइन्टी नाइन में मात्र टू नाइन्टी नाइन में कोर्स चल रही है हमारे एप्लीकेशन पे उसका लिंक नीचे दिया गया है वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ डेली लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लास डेली टॉपिक टेस्ट डेली क्यूज कराई जाती है चलिए आगे देखेंगे हमने प्रश्न किया था कि बी -सी -सी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया है तो शिव सुंदर दास को ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं तो यह बने हैं जेफ बेजोस और दूसरे नंबर पे हैं बर्नॉल्ड अर्नोल्ट अगला प्रश्न है किसे 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया है तो मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज 2020 से शंकर बाला सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया सूचना अनुसार महाराष्ट्र सरकार म्यूकोमिर से पीड़ित मरीजों को इलाज किस योजना के तहत करेगी तो महात्मा ज्योतिराव फूले पुरस्कार योजना के तहत पटना शहर में एनजियो प्लास्टी शुरू करने वाले किस हृदय रोग विशेषज्ञ का कोरोना में मौत हो तो मौत हो हो गया गया तो प्रभात कुमार का है प्रश्न है यूनेस्को द्वारा किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है संभावित सूची में भारत के छह स्थल को सम्मानित किया गया है वह है वाराणसी का गंगा घाट कांचीपुरम के मंदिर सतपुरा टाइगर रिजर्व हीरे बैकाल महापाषाण स्थल मराठा सैन्य वास्तुकला जबलपुर का भेड़ाघाट और लम्हेट्टा घाट ये छह जगह है वाराणसी का गंगा घाट कांचीपुरम के मंदिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हीरे बेंकल महापाषाण स्थल मराठा सैन्य वास्तुकला जबलपुर का भेड़ाघाट और लम्हेट्टा घाट आप बताएंगे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है कमेंट में टाइप करेंगे जरूर अगला प्रश्न आता है 20 मई 2021 से तो कहता है 20 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है और साथ ही साथ 20 मई को मधुमक्खी दिवस भी मनाई जाती है भारतीय ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली ओ किसने तैयार किया है तो ओ आर तैयारी किया है भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली ऑक्सीजन जो रिसाइकिलिंग सिस्टम को शुरू किसने किया है भारतीय नौसेना ने सूचना अनुसार आयकर विभाग कब से नया ई फाइलिंग पोर्टल जारी करेगा तो यह है सात जून से इनकम टैक्स डॉट डॉट इन पर किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप शुरू किया है तो अमृत वाहिनी ऐप झारखंड ने शुरू किया है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, की एथलीट समिति का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है श्रीजेश पराटो को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, की एथलीट समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं तो गौतम अडानी गौतम अडानी जो है कि जो कि एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं प्रथम है मुकेश अंबानी इस तरह से दिखता है कि कुछ तो भारत में परिवर्तन हो रहा है है ना आप ये सारा समझ ही रहे हूं अगला है कि भारतीय सेना का पहला किस विध्वंसक जहाज को इकतालीस सालों बाद सेवा मुक्त किया गया है भारतीय सेना का पहला किस विध्वंसक जहाज को इकतालीस साल बाद सेवा मुक्त किया गया है तो आईएनएस राजपूत को 21 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस और अगला प्रश्न कहता है कि कोविड 19 से लड़ाई के लिए स्वदेशी समाधान और नवोन्मेषण उत्पाद के सहयोग के लिए केंद्र ने किस पहल की शुरुआत की है स्वदेशी समाधान और नवोन्मेषण उत्पाद के लिए निधि फॉर कोविड 2.0 लॉन्च किया है प्रश्न गाजा में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की समाप्ति की मध्यस्थता किस देश ने की है तो मिस्र कतर और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर के इसराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा था उसको मध्यस्थता की है कत आयरलैंड के किस अनुभवी तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है तो वाइड रैंकिंग डे खेल के विकास में योगदान के लिए टीने गिलचिच अवार्ड से किसे नवाजा गया है तो हॉकी इंडिया को नवाजा गया है प्रेस ने सूचना अनुसार फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप सितंबर तक अक्टूबर 2022 में कहा होगा तो भारत में होगा केनिया की संसद ने किसे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाने का फैसला किया है तो यह बनाया है जज मार्था कुम को सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस 22 मई 2021 को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है प्रश्न किस राज्य सरकार, सरकार ने ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के लिए किसे विशेष दूत नियुक्त किया है तो विशेष दूत नियुक्त किया है उत्तर कोरिया के लिए सोंग किम को कांगो ने किस ज्वालामुखी में उन्नीस वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है तो नायरा गोगा तो नायरा गोगा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है थे? कांगो में स्थित है कोविड नाइन्टीन के कारण श्रीलंका में होने वाले एशिया कप दो को स्थगित कर दिया गया है अब इसका आयोजन कब किया जाएगा तो एशिया कप दो का आयोजन अब दो में होगी जो पहले श्रीलंका में होनी थी प्रश्न भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के पद पर हेमंत बिश्वा शर्मा को चुना गया है हेमंत बिश्वा शर्मा को चुना गया है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष में किस राज्य सरकार ने धोखे से वैवाहिक धर्मांतरण पर सजा वाले कानून को मंजूरी दी है गुजरात ने मोनार्का ग्रांड फार्मूला वन की ट्रॉफी किसने जीत ली है मैक्स बर्स्टे ने अगला प्रश्न है कि 24 मई 2021 को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है प्रश्न है कि भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग के लिए कितने वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो भारत और इजराइल के बीच में कृषि संबंधी समझौता तीन वर्ष के लिए किए गए हैं किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की घोषणा की है सोशल सिक्योरिटी स्कीम की घोषणा टाटा स्टील ने किया है अगला प्रश्न किस टेनिस खिलाड़ी को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के साथ जोड़ा गया है तो टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के साथ अंकित रैना को जोड़ा गया है जो कि ये एक टेनिस प्लेयर हैं अनुसार पंजाब के मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा तो मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके पद्मश्री बलबीर सी सिंह सीनियर पर रखा जाएगा क्योंकि इनका निधन हो गया है प्रश्न किस डिजिटल कंपनी ने भारत में पहली बार कोविड वैक्सीनेशन कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है तो कोविड वैक्सीनेशन कैशबैक प्रोग्राम ने शुरू किया है फोर्ब्स के अनुसार जेब बेजोस को पीछे छोड़ कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं तो यह बने हैं बर्नार्ड एरनोल्ड फ्रांस के हैं अगला प्रश्न किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है तो संजीवनी परियोजना की शुरुआत हरियाणा ने किया है 25 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व थायराइड दिवस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के किस शहर में भारत का नया महा वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है भारत का नया वाणिज्य दूतावास जो कि मालदीव में खोला जाएगा एद्दू शहर में खेल मंत्रालय ने देश के सात राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है तो 143 केंद्र को प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय डब्ल्यून साहित्य पुरस्कार दो की से किसे सम्मानित किया गया तो बेलेरिना लुसेली को सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो सुबोध कुमार जायसवाल को एनडीआरएफ अकादमी नागपुर ने वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में किस पद के सृजन की मंजूरी दी है तो निदेशक पद की मंजूरी दी है एनडीआरएफ अकाडमी नागपुर ने प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट से किस जमीन को बाहर कर दिया है तो चाय बगानों को लैंड सीलिंग एक्ट से हिमाचल प्रदेश ने बाहर कर दिया है अगला प्रश्न है उत्तर रेलवे ने किस खिलाड़ी पर हत्या के आरोप लगाने के कारण निलंबन का आदेश जारी किया है तो यह है पहलवान सुशील कुमार को अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल ओडिशा सहित अन्य राज्यों में भारी तबाही मचाने वाला यास तूफान का नामकरण किसने किया है तो यास तूफान का नामकरण ओमान ने किया है जबकि ऊपर आपने जाना था ताउते तूफान की जो नाम दिया था दिया था व्यामार ने ठीक है म्यांमार जो की गुजरात और महाराष्ट्र की ओर था जबकि यास जो है पश्चिम बंगाल उड़ीसा साइड में आई थी अगला प्रश्न है कि कोरोना टीका लगवाने वाले दुनिया के पहले पुरुष दुनिया के पहले पुरुष का निधन हो गया उनका नाम क्या था विलियम शेक्सपियर वो वो वाला विलियम शेक्सपियर नहीं है ठीक है ये नए वाले विलियम शेक्सपियर हैं जो कि दुनिया के पहले पुरुष का निधन था जो कि टीका लगवाए थे भारत में सबसे पहला टीका किसे लगाया गया है सोलह जनवरी को ये आप कमेंट में बताएंगे अगला प्रश्न किस भारतीय वेटलिफ्टर ने वर्ल्ड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में तिहत्तर किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है यह है अनचिंता शिवली को यूएई ने किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्ड वीजा से सम्मानित किया है तो संजय दत्त ने सम्मानित किया है भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ए आई सी टी ई ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नए शैक्षणिक छात्र में हिंदी साहित्य किन भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की मंजूरी दी है तो हिंदी सहित कुल आठ भाषा में पढ़ाई जाएगी अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बी आर सुब्रमण्यम को केंद्रीय वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया है 28 मई 2021 को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 28 मई 2021 को किसने चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति पद पर, पर चुनाव जीता है तो बसर अल असद सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं किस देश के राष्ट्रपति ने उन्नीस में रवांडा में हुए नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए माफी मांगा है तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भारत रत्न प्रोफेसर सी एन आर राव को अक्षय ऊर्जा स्रोत और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया तो अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड दो से उन्नीसवे लॉस एंजल्स भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के ऑडियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो निर्देशक अजीत पाल सिंह की फिल्म फायर इन द माउंटेन्स को ध्यान रखेंगे अजीत पाल सिंह की फिल्म है फायर इन द माउंटेन्स अगला प्रश्न भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है तो एफ वाला भारत का दूसरा अमेरिका बना है पहला सिंगापुर है देश का विदेशी मुद्रा भंडार दो दशमलव आठ अरब डॉलर बढ़कर किस उच्चतम स्तर पर पहुंचा है यह है पाँच सौ बानवे दशमलव आठ नौ चार अरब डॉलर उनतीस मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस अगला प्रश्न है असम सरकार ने कोविड 19 के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए किस योजना की घोषणा की है असम सरकार ने तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड 19 के कारण अपने अभिभावक खो चुके बच्चों के लिए किस योजना की घोषणा की है तो पीएम केयर्स बाल योजना ध्यान रखेंगे ये अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग प्रकार से योजनाएं बच्चों के लिए शुरू की गई है कहता है राष्ट्रीय प्रभार, तो प्रभार दिया गया है जबकि ये सीआरपीएफ के महानिदेशक है अगला प्रश्न है तीस मई 2021 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है तो 30 मई गोवा के स्थापना दिवस है आप कमेंट में बताएंगे गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है अगला प्रश्न किस देश ने को में कोरोना वायरस के भारतीय और ब्रिटिश रूप से मिले जुले रूप का पता चला है कोरोना वायरस के भारतीय और ब्रिटिश रूप के मिले जुले रूप का पता वियतनाम में चला है बिहार सरकार ने बाल सहायता योजना के तहत कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों के लिए कितने रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है तो पंद्रह सौ मासिक अठारह वर्ष तक के लिए ठीक है माली के अंतरिम राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है अंतरिम राष्ट्रपति कर्नल असीमो गोयता कर्नल असीमी गोयता कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस इकतीस मई को मनाया गया तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस इकतीस मई को मनाई जाती है जिसका थीम था कमिट टू क्विट अगला प्रश्न किस अमीर के अभिनेता का विमान दुर्घटना में निधन हो गया तो जो लारा का निधन हो गया है मध्य प्रदेश के किस पूर्व कैबिनेट मंत्री का कोरोना से 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया लक्ष्मीकांत शर्मा का किस राज्य सरकार ने सात विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है गुजरात ने तंबाकू नियंत्रण के पर में प्रयासों के लिए डब्ल्यू द्वारा डब्ल्यू महानिदेशक विशेषज्ञ पुरस्कार डब्ल्यूएचओ महानिदेशक विशेषज्ञ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को माउंट एवरेस्ट को फता करने वाली अमेरिका के सबसे उम्मीदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं तो ऑर्थर मुइ अगला प्रश्न माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही कौन बन गई है सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही सांग इनहूंग जो कि हांगकांग की, की हैं केरल के किस छात्र को असाधारण छात्र श्रेणी में यू ए का गोल्डन वीजा दिया गया है तस्नीन असलम को बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं एक जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व दूध दिवस एक जून 2021 को मनाया जाता है एक जून 2021 को टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहां खोला है तो नीदरलैंड में उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेखता फाउंडेशन ने किस शब्द कोश की रचना की है तो रेखता फाउंडेशन है? को। है? है अगला प्रश्न कि सूचना अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स को वैज्ञानिक नाम से जाने जाने वाले नाम को अब किस शब्दों के आधार पर रखा जाएगा तो यह है ग्रीक शब्दों के आधार पर पहले यह होता था कि जैसे ब्रिटेन में एक वायरस का पता चला कोरोना वायरस का अलग अलग वेरिएंट तो उसे ब्रिटेनी कोरोना वायरस नाम दिया गया कनाडा में पता चला तो कनाडियन दिया गया भारत में पता चला तो भारत का नाम दे दिया गया जबकि जो इसका जड़ मेन है वह है चीनी चीन का है ना तो इस कारण से जो हुआ ये विवाद हुआ कि किसी भी देश की पर्सनल नाम ना दे करके कुछ ऐसी नाम दिया जाए ताकि ये ना लगे कि हाँ उस देश से पैदा हुई है क्योंकि कोरोना वायरस की जो उपज है वो चीन के बुहान से है ठीक है पर वेरिएंट तो अलग अलग देश में अलग अलग होते हैं इसलिए उस वेरिएंट को उस देश के नाम से नहीं जाना जाए इसलिए डब्ल्यू ने फिर ये डिसाइड किया कि उसकी नाम जो है वह ग्रीक शब्दों में आधार पर किया जाए जैसे अल्फा बीटा गामा इस तरह से ठीक है अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को जून को सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार जे महापात्रा को दिया गया है आगे देखेंगे कहते हैं 2 जून 2021 को डब्ल्यूएचओ ने भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले कोरोना वायरस के दो वेरिएंट डेल्टा तो यानी कि जो बी वन सिक्स वन सेवन वन है उसे कप्पा और बी वन सिक्स वन सेवन वन टू जो है उसे डेल्टा नाम दिया गया है यही जो वायरस था पहले इसे इस वेरिएंट को जाना जाता था भारतीय कोरोना वायरस ठीक है इसीलिए डब्ल्यू एच ओ ने इसका नाम क्या कर दिया ग्रीक भाषा में कर दिया है अगला प्रश्न है सूचना अनुसार विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है 30 जनवरी को तो विश्व एन दिवस के रूप में मान्यता दी गई है 2 जून 2021 को मगर ये कब मनाया जाएगा 30 जनवरी को मनाया जाएगा ठीक है किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला किया है तो अमेरिका ने किया है भारतीय संविधान सभा के अंतरिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया तो टी एम कलियानन गौडर का जो कि भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य के रूप में थे गौर्डर प्रश्न है इकतीसवा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है तो चौथे स्थान पर है इकतीसवां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर है कजाकिस्तान राइफल्स के महानिदेशक कौन बने हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर 20 श्याम को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है आइसलैंड गणराज्य में माउंट एवरेस्ट फता करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं तो यह बने चीन के झांग हो जो कि पहले नेत्रहीन यानी कि कह सकते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है अगला प्रश्न है सूचना अनुसार भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी बैग को किसने विकसित किया है तो डेटा लॉगर एंटी बैग को किया है भारतीय आईआईटी कंपनी रोपड़ आईआईटी संस्थान रोपड़ ने भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं तो वाइस एडमिरल रवनीत सिंह बने हैं तीन जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो साइकिल दिवस मनाया गया तीन जून चार जून 2021 के सूचनानुसार सी एस आई आर ने पानी को रहित करने के लिए किस नाम से एक नई तकनीक की सुरक्षा शुरुआत की है तो स्वास्तिक नाम से इसराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं ईसाक हरगोज बने हैं हाल ही में जारी आई महिला टी ट्वेंटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है तो सिफाली वर्मा मात्र पंद्रह साल की उम्र में इन्होंने वर्ल्ड कप खेला था अगला प्रश्न इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया तो नितिन राकेश एवं जैरी बिंड ने व्हाट्सएप ने किसको भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है तो परेश बी लाल को इस प्रकार से पूरे मई और जो चार जून तक की करेंट अफेयर्स थी ये कंप्लीट होती है आप कमेंट में बताएंगे या आपने अपने लाइक दबा करके बताएंगे आपको वीडियोज कैसे लगे और ये हमारा प्रयास जो कि हर एक महीने की जाती है ये आपको कैसा लगा तो मिलेंगे अगले वीडियोज के साथ अगले क्लास में फिर से आज के लिए इतना ही जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते जाएं और आपसे जितने प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का आशा करेंगे अब जवाब आप नीचे कमेंट में जरूर देंगे या दिए होंगे ठीक है तो मिलते हैं अगले पार्ट में और आज के लिए इतना ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद